दोस्तों, मेरा नाम है धीरेंद्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर वन का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें आज हम समझेंगे कि ब्रिटिशर ने कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लोटेशन किया या फिर इफेक्ट डाला, किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा डाउन किया, इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका क्वेश्चन आ भी चुका है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ब्रिटिश पीरियड से पहले हमारा क्या सिचुएशन थी, या जब ब्रिटिश पीरियड स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ था। ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश पीरियड जब यानी कि स्टार्ट ही हुआ था या उससे जस्ट पहले, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि एग्रीकल्चर सेक्टर ब्रिटिश से पहले बहुत ही बढ़िया था या बहुत सारे लोग को रोज़गार मिल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि उस समय पहले कोई बहुत ज़्यादा टेक्निक नहीं थी, मशीनें नहीं थी जो आज है। बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पर उस समय किसी को पता भी नहीं था HYV सीड्स क्या होते हैं। अब नाम भी सुना होगा कि HYV सीड्स आगे चैप्टर में भी आएंगे कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड होते हैं जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाती है। फर्टिलाइज़र होता क्या है, पेस्टिसाइड, ये कोई नहीं जानता था। तो प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होती थी एग्रीकल्चर से। 85% लेकिन कंट्री की पॉपुलेशन नियरली डिपेंड थी सारी की सारी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर पे, क्योंकि उनके पास कोई और तरीका भी नहीं था कोई पैसा कमाने का। वो सोच रहे कि बस खेती बाड़ी करके ही पैसा कमाते हैं। और कंट्री डिपेंड तो थी एग्रीकल्चर सेक्टर पे, बट फिर भी कंट्री की सेल्फ सफिशिएंट नहीं बन पाया कंट्री फूड में। भले सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर बहुत तगड़ी प्रोडक्शन नहीं हो पाती थी क्योंकि उनके पास टेक्निक ऐसी नहीं थी। वो पुराने ज़माने के तरीके इस्तेमाल करते थे, वो तो आज धीरे धीरे आ रही है और आज है, पहले ऐसा नहीं था। तो कंट्री सेल्फ सफिशिएंट, खुद आत्मनिर्भर नहीं बन पाई। वो तब भी दूसरे देशों पे डिपेंड होती थी, ना ही वो रॉ मटेरियल दे पाई, रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए होता है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे जाते हैं। जैसे क्लॉथ इंडस्ट्री है तो उसको कपड़े बनाने हैं तो उसको कॉटन चाहिए, तो कॉटन मिलेगा एग्रीकल्चर सेक्टर से। बट एग्रीकल्चर सेक्टर पे अगर इतना दम नहीं है, वो इतना कॉटन प्रोड्यूस करके नहीं दे पा रहे इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही थी। इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं कर पाएगी ना, इसलिए वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं बन पाया। और जब ब्रिटिश पीरियड आ गया तब बहुत दिक्कत आ गई, यानी कि पहले ही हमारे कंडीशन ख़राब थी और ब्रिटिश के आने के बाद और ख़राब हो गई। तो क्यों ख़राब हो गई, उसके रीजंस क्या क्या, मेन रीज़न फॉर स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का वैसे मतलब है रुक जाना एक जगह पे, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, दैट इज स्टैग्नेट। तो एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेट हो गया ब्रिटिश पीरियड के, जैसे स्टार्ट हुआ ब्रिटिश पीरियड के दौरान। क्यों हुआ लेकिन ऐसा, उसके रीज़न पूछ सकता है तुम्हें, क्या रीजंस है। पहला रीज़न है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ब्रिटिश पीरियड जब स्टार्ट हुआ, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कई सारे सिस्टम इंडिया में लाने लग गए, क्योंकि उनका पैसा कमाना था। उसमें लैंड सेटलमेंट सिस्टम कई सारे थे, उसमें से एक था ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम था, ऐसे बहुत सारे रोत वाले सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम थे, उसमें से एक ज़मींदारी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि उस समय हमारे यहाँ पर वाइसरॉय का राज होता था, गवर्नर जनरल का राज होता था, है ना। उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हमारे यहाँ पर गवर्नर जनरल थे इंडिया के ब्रिटिश के टाइम के, 1793 में ये ज़मींदारी सिस्टम को लॉन्च किया था। कब किया था, 1793 में। इस सिस्टम में क्या होता था कि उन्होंने क्या, एक के पास ज़मीन होती थी तो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कह दिया कि भैया जिसके पास ज़मीन है हम उसको मान लेंगे वो ज़मींदार है, वो ओनर है लैंड का। जिसके पास ज़मीन, जो ज़मींदार है वो ओनर है लैंड का। ज़मींदार के पास राइट है कि वो फार्मर से जितना मर्जी टैक्स कलेक्ट कर सकता है, उसको बोलते थे लगान, रेंट कह सकते हो आप। कि भाई अगर आप ज़मींदार हो तो आप फार्मर से काम कराओ अपने लैंड पे, क्योंकि फार्मर के पास लैंड ही नहीं है, लैंड आपके पास है, काम आप फार्मर से कराओ और उससे लगान लो, और वही लगान का कुछ हिस्सा आप अपने पास रखो, बाकी हमारे पास जमा करो। तो ज़मींदार को ये राइट दे दिया कि आपके पास पूरी अथॉरिटी है, आप जितना मर्जी फार्मर से काम कराओ, आपको कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए लगान। तो
ज़मींदार फार्मर से लगान लेता था, आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था, कुछ हिस्सा उसको मिल जाता था। तो इस तरीके का सिस्टम था ये ज़मींदारी सिस्टम। तो जितना भी लगान, अब दिक्कत इसमें यह थी कि आपका सिर्फ फोकस क्या है, ज़मींदार का फोकस क्या है, सिर्फ और सिर्फ लगान यानी कि पैसा, उस ठीक है पैसा ठीक है। तो बेसिकली ज़मींदार का सिर्फ ऑब्जेक्टिव था सिर्फ पैसा कमाना, उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि भाई किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, कैसे बढ़ाया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर को। उसको था कि भाई जैसे मर्जी आप उगाओ यहाँ पर, और मैं तो लगाना चाहिए बस। अब भाई अब फार्मर की तेरे पास पॉकेट्स है, फार्मर तो पहले गरीब है वहाँ पर उस समय, तो कैसे लगा देने के सारा। तो उसको फार्मर्स को बेचारों को लोन लेना पड़ता था उस लगान को देने के लिए खाली। तो कंडीशन एग्रीकल्चर की और ख़राब हो गई थी, बढ़ने नहीं थी, क्योंकि फार्मर के पास कोई है ही नहीं पैसे कि भाई वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे इन्वेस्ट कर सके, ना ही वो ज़मींदार है ना, वो ज़मींदार को सोचना चाहिए था कि भाई ज़मींदार के पास राइट था कि भाई कैसे लैंड की कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए। अब आप फसल उगवाई जा रहे हो उससे, ये नहीं सोच रहे कि भैया लैंड ख़राब हो जाएगा तो भैया फिर तो एग्रीकल्चर भैया फसल सारी ख़राब हो जाएगी। जब लैंड के ऊपर आप फसल बेफालतू में उगाई जा रहे हो, और जौन सी कुछ फसल होती है जो लैंड की जो फर्टिलिटी है वो ख़राब कर देती है, तो ये नहीं सोचा था ज़मींदार ने। तो देखो यही है कि सारा का सारा जो प्रॉफिट एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा था वो ज़मींदार के पास जा रहा था, और मेन इंटरेस्ट ज़मींदार का सिर्फ यही था कि लगान कलेक्ट करो, ना कि कुछ लैंड की कंडीशन इंप्रूव करके भैया फसल को कैसे उगाया जाए ज़्यादा, ये नहीं सोच रहा था। बस लगान चाहिए वो, तो आप काम करवाओ फार्मर से, जी जान फार्मर से काम कराते रहो और लगान लेते रहो। ये नहीं सोच रहा था कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे बढ़ाया जाए, सोयल की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए, ज़मीन बंजर हो जा रही है आप लगान ले जा रहे हो। तो और सारे की सारी जो डेट थी लगान डिपॉजिट कब करना होता है वो डेट को फिक्स कर दिया था, और ज़मींदार के ऊपर प्रेशर डाल दिया कि अगर ये आप फेल हो गए, हमें लगान नहीं दिया इस डेट पे, तो आपको राइट्स आपके ले ली जाएंगे, आप ओनर नहीं कहलाओगे फिर लैंड के। तो ज़मींदार डरते थे, वो सोचते थे कि भैया तो लगान फटाफट लो और जमा कराओ, और पूरा अथॉरिटी आपके पास, जितना मर्जी लगान लो फार्मर से। ये पुअर फार्मर को एक्सप्लोइट कर दिया था ज़मींदार ने। तो ज़मींदार और कॉलोनियल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, ये है मेन इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए उन्होंने उनका सिर्फ ऑब्जेक्टिव था पैसा कमाना, और कंडीशन एग्रीकल्चर सेक्टर की इम्प्रूव ही नहीं कर रहे थे वो, समझ आ गई बात। सेकेंड पॉइंट क्या, तो नेक्स्ट हम अब पॉइंट पढ़ते हैं जिसका नाम है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो पहला पॉइंट तो ये था कि ज़मींदारी सिस्टम की वजह से कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के इफेक्ट पड़ा। दूसरा कमर्शलाइजेशन, इसका पहले मतलब ये है कि इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन फॉर सेल्फ कंजप्शन। देखिए क्रॉप्स, कोई भी फसल उगाता है वो इसलिए उगाता है ताकि अपनी ज़रूरतों को पूरा करा जाए, ना कि किसी और की, है ना। आपने फसल उगाई, होता पता क्या, फार्मर क्या करते हैं सेल्फ कंजप्शन के लिए ज़्यादातर उगाते हैं, मतलब खुद यूज़ करने के लिए, और उसमें जो सरप्लस होती है ना वो आगे मार्केट में बेचते हैं, ऐसा करते थे फार्मर। फार्मर बेसिकली ऐसे करते हैं कि वो उगाते हैं उसमें से अपने लिए उगाते हैं ताकि खुद खाना खा सके, उसके बाद सरप्लस को बेचते हैं। बट इसमें क्या है कि आप उगाओ सिर्फ बेचने के लिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं, इसको बोलते हैं कमर्शलाइजेशन। बेसिकली कहने की पैसा कमाने के लिए, एग्रीकल्चर को ब्रिटिश रूल ने क्या करा, एक पैसा कमाने का ज़रिया बना दिया, कमर्शलाइज कर दिया कि आप वो वाली क्रॉप्स उगाओ जो सिर्फ मार्केट में सेल हो सकती है। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कैश क्रॉप्स क्या होती है। कैश क्रॉप्स जैसे कि कॉटन, जूट या फिर ऐसी क्रॉप्स जिसको बेसिकली बेच के पैसा कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, उसे कैश क्रॉप बोलते हैं, यहाँ से कैश आ सकता है, वही चीज़। तो ब्रिटिशर के लिए कैश क्रॉप्स थी जो इंडिया में रॉ मटेरियल्स
यानी कि इंडिया से जो उगाते, जैसे कि आपका कॉटन हो गया, जूट हो गया, शुगर केन, ये सब इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इंडिगो, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है। तो ये सब ब्रिटिशर, जो ब्रिटिश इंडस्ट्री है, उनमें ये कैश क्रॉप्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। और ब्रिटिशर क्या कह रहे थे कि भैया आप कैश क्रॉप्स उगाओ, हम आपको पैसा देंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन इसको आपको हम उसका यूज़ करेंगे, हमें बेचना होगा, हम उसको आगे एक्सपोर्ट करेंगे, आप उगाओ, हम आपका कैश क्रॉप लेके आगे अपनी जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज है इंग्लैंड में, वहाँ बेचेंगे उसको, वहाँ ले जाएंगे, क्योंकि हमें वहाँ पर नीड है, हमें फैक्ट्री में कैश क्रॉप्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें वहाँ पर चाहिए, हमें भैया कॉटन जूट चाहिए, फैक्ट्री तभी चल पाएगी ना। फैक्ट्री में अगर मुझे कपड़े बनाने हैं, कॉटन चाहिए, और वो कॉटन जानबूझ के कहाँ से लाते थे, इंडिया से। इंडिया वालों के फार्मर कहते हैं भैया आप कॉटन उगाओ, पैसा हम दे दें आपको, लेकिन वो कॉटन आप ही नहीं यूज़ करोगे, हम यूज़ करेंगे, आपकी इंडस्ट्री के लिए नहीं है, वो इंडिया के लिए नहीं, अपने इंडस्ट्री को बेचूंगा मैं, और वहाँ पर उस कॉटन को यूज़ करके, क्योंकि क्यों ऐसा क्यों करते थे वो भी, उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि अगर वो कॉटन खुद उगाएगी वहाँ पर इंग्लैंड में, तो उनको महंगा पड़ेगा, वहाँ फार्मर नहीं है ज़्यादा, उनको पता है इंडिया में, इंडिया तो एग्रीकल्चर कंट्री है, यहाँ इनसे उगाओ, सस्ता पड़ेगा, सस्ते में बेचो बाहर इंग्लैंड में, तो उनको रॉ मटेरियल पड़ गया सस्ता, वहाँ प्रोडक्ट सस्ता पड़ गया उनको, जब रॉ मटेरियल सस्ता पड़ गया तो वो जो प्रोडक्ट उगाएंगे वो सस्ता पड़ गया, और बेचेंगे महंगा, तो ये उनको बेनिफिट हो गया। लेकिन इसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक कंडीशन फार्मर की बहुत ख़राब होगी, क्योंकि माल जो बिक सकता है इंडिया में वो बिक ही नहीं रहा, वो तो खुद ब्रिटिशर ले जा रहे हैं, ये नहीं कि अपनी इंडस्ट्री को दे दो कैश क्रॉप्स, ताकि इंडस्ट्री वाले को दे दो कॉटन जूट और यहाँ पर क्लॉथ बिके, ना 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 ना, अपने ब्रिटिशर अपना फायदा सोच रहा था, अपने ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को बेचूंगा, वहाँ पर उगाऊंगा, वहाँ पर उस इंडस्ट्री को पैदा करूँगा, और वो वहाँ बेचूँगा, ना कि इंडिया की इंडस्ट्री को नहीं पैदा करूँगा मैं। तो फार्मर का भैया पैसे नहीं आ रहे, फार्मर में ख़राब हो गई इकोनॉमिक कंडीशन, पैसे कहाँ से आएंगे जब फार्मर बेचेगा यहाँ पर इंडिया में, बेच ही रहा। तो इसकी वजह से वही लिखा ना, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रिटिश इंडस्ट्री उसको यूज़ कर रही थी, तो ब्रिटिश रूल ने कैश क्रॉप पे शिफ्ट कर दिया, सॉरी फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पे शिफ्ट कर दिया, इसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर डाउन चला गया, ये रीज़न है। फूड क्रॉप्स जो हमारे यहाँ पर, फूड क्रॉप क्या है, यानी कि जो खाने पीने का होता है, जैसे कि वीट, राइस है ना, ये सब क्या है, फूड क्रॉप। अब अनाज उगी नहीं रहा, ब्रिटिशर कह रहे हैं कि आप अनाज वगैरह ना उगाओ, खाने पीने का सामान छोड़ो, आप हमें हम सिर्फ वो उगाओ जो हम चाहते हैं, आप सिर्फ वो उगाओ जो हमारी इंडस्ट्री चाहती है। तो जब भैया वीट ही नहीं उग रहा, राइस ही नहीं उग रहा, तो खाएंगे क्या हम? तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा भूखमरी आ गई थी हमारे इंडिया में, क्योंकि वीट और राइस फार्मर उगा नहीं रहे, अब वो दो टाइम का खाना कैसे मिल पाएगा, वो बेचारे छोटे छोटे भी गाँव में जाते थे, अलग अलग टाउन सिटीज़ में जाते थे, वहाँ जाके खरीदते थे वीट और राइस, खाना पीना के सामान खरीदते थे, क्योंकि खाने पीने के सामान उग ही नहीं रहे, वो तो फसल ही नहीं उग रही उसकी, फसल उग रही है कैश क्रॉप्स की, फूड क्रॉप्स की नहीं। तो इसकी वजह से भैया देखो, अमीर फार्मर तो चलो खरीद लेते थे शहर में जा जाके, गरीब कैसे खरीद पाएगा, बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी, भुखमरी आ गई थी। तो ये इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत डाउन चला गया, क्योंकि कैश क्रॉप से क्या होता है कि जो जमीन जो होती है ना, वो बंजर हो जाती है, ज़्यादा अगर कैश क्रॉप उगाते रहोगे, उसकी वजह से फिर फूड क्रॉप आगे उग नहीं पाएगी। तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में डाउन आ गया था, और ज़्यादा फूड क्रॉप उसके बाद उगी नहीं पा रही थी, लैंड ख़राब होने लग गया था। ओके, एक और रीज़न है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी लो लेवल की हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि भैया टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे हम, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इसमें करते थे, पुराने ज़माने के वही बैल चल रहा है, ठीक है, बफेलो चल रहा है, उसके थ्रू ही जो भी आपका करना है, सब प्लफिंग करना, हार्वेस्टिंग करना, सब उससे हो रहा था। इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, कोई ऐसा नहीं, पंप जैसे पंप लगा हुआ था, पंप नहीं था पहले कि चलो पानी आ रहा है पंप से, ग्राउंड वाटर ना, रेनफॉल पे डिपेंड होना पड़ता था उनको, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी।
नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर तो इस्तेमाल करते नहीं थे, उनको पता नहीं था फर्टिलाइजर होता क्या है, उनको पता नहीं था केमिकल का इस्तेमाल करके भैया फटाफट क्रॉप उग जाएगी, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की कम होने लगी। क्यों कम होने लगी? क्योंकि हम इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे टेक्नोलॉजी पे, हम इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे इरीगेशन पे, हम इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे भैया फर्टिलाइजर पे। इसके पीछे रीज़न यही है कि कल्टीवेटर जो उगाने वाला है फार्मर, उसके पास तो कोई पैसा नहीं है, ना ही कोई इंसेंटिव था, ना ही कोई फार्मर कोई मतलब ब्रिटिशर उसको इंसेंटिव दे रहा है कि चलो आप उगाओगे तो हमको पैसा देंगे, तो इसलिए वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। ना ही ज़मींदार, क्योंकि ज़मींदार को तो कोई विलेजेस के बारे में उनको पता नहीं था, उनको तो सिर्फ उनको ज़मींदार थे उनको तो ज़मीन का मालिक था उनके पास, उनको नहीं पता एग्रीकल्चर क्या होता है, तो उनको कोई विलेजेस का कोई लूट नहीं था, कोई विलेजेस लेने देने नहीं था। ब्रिटिश रूल वो स्पेंड करते थे बट बहुत ही कम करते थे एग्रीकल्चर पे, वो भी सिर्फ अपने लिए करते थे, सिर्फ कैश फ्लो हो जाए, ना ही वो टेक्निकल मास एजुकेशन, एग्रीकल्चर की जो एजुकेशन है टेक्निकल एजुकेशन है उस पर बहुत ही कम स्पेंड करते थे, अपने फ़ायदे के लिए सोचते थे बस वो, जिसकी वजह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई इंडिया में और प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की कम हो। लास्ट पॉइंट करते हैं, फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट है स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्कैर्सिटी का मतलब कमी है ना, कमी, तो कमी की बात कर रहे हैं, मतलब इंडिया एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा स्कैर्सिटी फेस कर रहा था, कोई इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं था, जब तैयार था तो पैसे नहीं थे, इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे थे एग्रीकल्चर में, जब इन्वेस्ट ही नहीं करोगे आप, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं लाओगे तो कैसे बढ़ेगा एग्रीकल्चर, वो डाउन जाना ही जाना है। तो इंडिया बहुत ज़्यादा फेस कर रहा था स्कैर्सिटी इन्वेस्टमेंट की टेरेसिंग फार्मिंग में, टेरेसिंग फार्मिंग जो पहाड़ों में होती है, जैसे कि जो फ्लोर्स होते हैं ना अलग अलग पहाड़ों में इस तरीके से होते हैं, तो ऐसे जब ऐसे पहाड़ होते हैं ना तो वहाँ पर ऐसे टेरेसिंग फार्मिंग होती है, इस तरीके से उसको बांट दिया जाता है, तो वहाँ पर पहाड़ों में एक साइड पे अलग फार्मिंग, ऐसे अलग, ऐसे अलग, तो टेरेसिंग फार्मिंग पे कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, फ्लड कंट्रोल पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि फसल ख़राब हो जाती है अगर बाढ़ आ जाए तो, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था कि कैसे बाढ़ को कंट्रोल किया जाए, ड्रेनेज यानी कि पानी अगर भर जाए तो कैसे बाहर निकाला जाए, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही थी। कुछ फार्मर, बहुत सारे सम फार्मर, ऑल्दो सम फार्मर ने तो क्रॉपिंग पैटर्न को भी चेंज कर दिया था, क्योंकि आपको पता है पीछे हमने पढ़ा भी, फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप उगा रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर कह रहे थे कि भाई हमको बहुत पैसा देंगे, हम आपको बहुत पैसा देंगे बस आप कैश क्रॉप उगाओ, तो बहुत सारे फार्मर शिफ्ट हो गए उस चक्कर में, तो भैया वो तो और इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि वो तो सोच रहे थे कि भैया पैसा आ रहा है हमें, तो हमें क्या करना इन्वेस्ट करके, हमें तो पैसा दे रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, हम तो कैश क्रॉप उगा रहे हैं, लेकिन भैया आप कैश क्रॉप तो उगा रहे हो, बाकी का नुकसान कर रहे हो वो तो पता नहीं आपको, फूड ही तो खाएंगे, फूड क्रॉप नहीं उगाओगे तो फूड खाएगा कैसे कोई, ये कोई ध्यान नहीं दे रहा था। बहुत सारे टेनेंट्स का मतलब फार्मर्स, किराएदार होता है टेनेंट का, वैसे मतलब जो लैंड के ऊपर काम कर रहा है वो ज़मींदार का किराएदार है, और काम कौन कर रहा है, फार्मर, तो टेनेंट बेसिकली फार्मर समझो। बहुत सारे टेनेंट, छोटे फार्म, स्मॉल फार्मर, शेयर क्रॉपर क्या होते हैं, जैसे कि जो वो काम करते हैं वो भी फार्मर ही है, काम कर रहे हैं, ज़मींदार को लगान नहीं देना, ज़मींदार को क्या करना है, कुछ फसल का शेयर दे देना है, क्रॉपर, शेयर क्रॉपर का मतलब क्रॉप का शेयर दे देना ज़मींदार को, बस लगान की जगह है ना उसको बोलते हैं। उनके पास, इन सब के पास ना तो रिसोर्सेज थे, ना इंसेंटिव कोई मिल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ना टेक्नोलॉजी थी इन्वेस्ट करने की, जिसकी वजह से वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ना तो पैसा है, ना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई इंसेंटिव दे रही है कि भाई आप करो तो हम आपको ये देंगे, ना तो कोई मेरे पास टेक्नोलॉजी पड़ी है, तो हम इसलिए कोई इन्वेस्ट नहीं हो पा रहे थे इन्वेस्टमेंट, और एग्रीकल्चर सेक्टर डाउन चला गया। तो चार रीज़न है, पहला क्या था, ज़मींदारी सिस्टम या लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसकी वजह से ज़मींदार सिर्फ लगान ले रहे थे, वो ध्यान नहीं दे रहे थे कि भाई एग्रीकल्चर को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उनकी कंडीशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए। दूसरा हमने पढ़ा